सवेरे छाप बना तो नहीं है अभी चल पड़ा लाइव बहुत सारे नौजवान भी यहीं पहुँचे हुए हैं चार बजे से
इस पिंजरे में डाल लिया जाएगा। इस समय स्थिति जो है काफी खतरनाक हो चुकी है, सभी लोग जो है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक टीवी, में हूँ करसोग से दिनेश कुमार। इस समय हम मौजूद हैं करसोग से 15 किलोमीटर दूर पहंदो ग्राम पंचायत केलोधार में स्थित। यहाँ पे पिछले कल देर रात एक तेंदुआ एक कुत्ते का शिकार करते हुए इस रिहायशी मकान के अंदर कुत्ते का शिकार करते हुए अंदर ही इसी स्टोर में कैद हो गया। लगभग 20 घंटे तक ये जो तेंदुआ है इसी स्टोर के अंदर कुत्ते के पीछे कुत्ते को हमला करने के लिए जैसे ही कुत्ता दौड़ता गया और कुत्ता अंदर ही इसी स्टोर के अंदर घुस गया और जो तेंदुआ है तेंदुआ भी इसी स्टोर के अंदर चला गया। लेकिन कुत्ते को तेंदुए ने अंदर मार गिराया। यह घटना देर रात शाम शनिवार को हुई है। अभी तक ये जो तेंदुआ है ये इसी स्टोर में कैद है। रेस्क्यू टीम सुंदरनगर से यहाँ पर पहुँच चुकी है और इसका रेस्क्यू किया जा रहा है तेंदुए का। DFO करसोग कृष्ण बाग नेगी भी इसमें यहीं पे मौजूद हैं। तेंदुए को देखने के लिए यहाँ पे स्थानीय जिंदा भी बहुत भीड़ लगाए बैठे हैं। पुलिस टीम भी यहाँ पे इसमें मौजूद हैं, पूरी सुरक्षा देने के लिए जनता के लिए यहाँ पे इसमें करसोग पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से डटे हैं। रेस्क्यू टीम जो सुंदरनगर से यहाँ पे पहुंची है रेस्क्यू करने के लिए इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन अभी इन्हें अंत में ये पिंजरा ही दरवाजे पे लगाना पड़ रहा है। सर जी, अगर आई गया तो क्या अपनी जान बचानी नहीं है? नहीं, हम आपको हम आपको बचाएंगे, हमने आपको पीछे कर देना, हमने जाने भी देना है। तो अब छोड़ो आप मेरे ऊपर। कुछ ही समय में जो तेंदुआ है इस पिंजरे में कैद होके इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन यह जो समय है रेस्क्यू टीम के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। पुलिस की पूरी टीम जो है वो मौके पर मौजूद है। सैकड़ों ग्रामीण जो है तेंदुआ इस समय इस मकान के स्टोर के अंदर है। आप सामने आपको ये जो पिंजरा दिखाई दे रहा है ये पिंजरा बिल्कुल उस दरवाजे पे लगाया गया है जहाँ से तेंदुआ अंदर घुसा था। अब इस पिंजरे के सहायता से ही इस तेंदुए को कैद करके बाहर निकाला जा रहा है। ये जो स्थिति इसमें यहाँ पे बनी है बहुत भयानक स्थिति बनी है।
मुझे हुआ इस पिंजरे में डाला, तो स्थिति जो है वो तनावपूर्ण हुआ है। कारण यही है कि लगभग 3 बजे के बाद लगातार यही कोशिश की जा रही है कि लोग सुरक्षित गौशाला से बाहर निकाला जा सके। हालांकि तेंदुए के साथ जिस कुत्ते का शिकार करते हुए तेंदुआ गौशाला में पहुंचा है और मर रहा है, उस कुत्ते को लगभग 4 बजे इस तेंदुए ने मार पाया है। कारण यही रहा है कि ट्रैंक्विलाइजर गन टीम द्वारा जो है पहला डॉट उठाया गया और उसके बाद तेंदुए ने अचानक कुत्ते पर जो है वो हमला बोला है और उसको मौत के घाट उतार दिया है। अब तेंदुए को सुरक्षित जो है वो रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। वन विभाग ने सभी गिरफ्तारी पूछा है, आप सभी आप ज्यादा शेयर कर रहे हैं से आपको सीधी तस्वीरें जो है वो घटनास्थल से बताई जा रही है। यहाँ एक गौशाला में जो तेंदुआ है जो कुत्ते का शिकार करते हुए कैद हुआ है, तेंदुआ इसमें बहुत ही गुस्से में है। वन विभाग के कर्मचारी के ऊपर भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार। बराबर तो सीरे ऊपर से थोड़ा सर डॉट लगे अभी कितने डॉट लगे हैं अभी तक? एक डॉट लगे। अच्छा, तो अब क्या उम्मीद करें कितने की देर में? बस अब आधे घंटे। ठीक है, धन्यवाद। सर एक चीज की जानकारी आपने आपने ना देखा भी है इसको 3-4 दफा देखा है, कितनी उम्र का लग रहा है सर? ये 4.5 का व्यसक है। मेल है फीमेल ऐसा कुछ? मेल है। जब बाहर आएगा तब पता चलेगा। ठीक है। Thank you.
कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी जो आप हिमाचल दस्तक की स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक तेंदुआ है जो कि करसोग के पहंदो गांव में एक मकान के स्टोर में पिछले कल देर रात एक कुत्ते के शिकार करते हुए स्टोर में जा घुसा। सर शाम किया उसने आप देखते हैं तेल है शाम की तो तेल निकलो ये ऊपर से गिराया ना लाइट बुला लो लाइट करें वहाँ जी बिल्कुल। जो कुत्ते का शिकार इसने हाल ही में अभी अभी किया, पिछले कल देर रात से लेके वो कुत्ता भी इसी स्टोर के अंदर था और कल से लेकर कल रात से लेकर जो कुत्ता था वो इसी जगह पे बैठा था और हाल ही में अभी लगभग आधा घंटा पहले ही उसने इसका शिकार किया है। जो है गौशाला में घुसा हुआ ना, इसमें आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों में ना काफ़ी घटनाएं हो रही हैं, तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। हाँ तो ऐसा होता है। अच्छा, तो आप लोगों को एक संदेश दें कि वो जो है इनके कैसे इनसे बचा जा सकता है। हम ये चाहेंगे कि ये लोग थोड़ा सावधानी बरतें, सुबह शाम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग और संध्या के समय घरों से बाहर आके लिए ना घूमें और बच्चों को खासकर घरों से बाहर आके लिए ना जाएंगे। और बेसिकली ये इसलिए हो रहा है कि जैसे हमारे इनके जो हैबिटेट्स हैं, इनकी जो आवास है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसीलिए कसूर तो जंगली जानवर का भी है, मानव का ही है, इनकी आवास को नहीं डिस्टर्ब किया है। सावधानी में ही सुरक्षा है। ये जो आबादी के नज़दीक ज़्यादा आने लगे हैं उसमें कारण ये कि जंगलों में इनको खाने को भी ज़्यादा आवाज़ को डिस्टर्ब किया जा रहा है थोड़ा सा, और इसलिए शिकार की तलाश में घूमते आबादी के नज़दीक। धन्यवाद। ये अपने डीएफओ करसोग कृष्ण बाग नेगी का जो संदेश था करसोग की जनता के लिए। रेस्क्यू टीम के द्वारा अभी इस तेंदुए के लिए तीसरा फायर जो अभी किया गया है, उस फायर से लगता है कि जो तेंदुआ है वो घायल होने की अवस्था में हो सकता है। कुछ समय के बाद जो तेंदुआ है वो इस पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाएगा। इस लाइव स्ट्रीम को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इस तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए समय अभी और लग सकता है, क्योंकि जो तेंदुआ है वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हो पाया है। रेस्क्यू टीम, आप इसमें हिमाचल दस्तक टीवी की स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, रेस्क्यू टीम पूरी तरह से पूरी कोशिश में है तेंदुए को घायल करने के लिए। इस घर के सभी सदस्य पिछले कल रात से लेके बहुत दहशत में थे, क्योंकि यह जो तेंदुआ है लगभग 20 घंटों से इसी स्टोर के अंदर कैद है। कुछ ही क्षणों में इस तेंदुए को रेस्क्यू करके इस पिंजरे में डाल के यहाँ से ले जाके किसी सुरक्षित स्थान में छोड़ दिया जाएगा। आप बने रहिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ।
कृपया इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। ये जो आप तस्वीर है इसमें हिमाचल दस्तक टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह आप उपमंडल करसोग की ग्राम पंचायत पेंदो गांव से देख रहे हैं। यहाँ पे सुंदरनगर से रेस्क्यू टीम पहुँची है। रेस्क्यू टीम पूरी कोशिश करते हुए इस तेंदुए को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। आप बने रहिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। रात होने से पहले पहले ही इस तेंदुए को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। रेस्क्यू टीम के सदस्य तेंदुए को देखते हुए, अभी रेस्क्यू टीम ने इस तेंदुओं को घायल करने के लिए तीसरी फायर भी कर ली। रेस्क्यू टीम के सदस्य इस तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए इसमें पूरे कोशिश करते हुए इस कमरे के अंदर से इस तेंदुए को इसमें देखा जा रहा है कि यह घायल हो चुका है या नहीं। कुछ ही क्षण में जो ये तेंदुआ इस पिंजरे के अंदर कैद होने वाला है। ये जो तस्वीर है आप ग्राम पंचायत केलोधार की पेंदो गांव से सीधे हिमाचल दस्तक टीवी की स्क्रीन से देख रहे हैं। हिमाचल दस्तक टीवी की स्क्रीन पे आप जो ये गन इसमें देख रहे हैं, ये वही गन है जिससे इस तेंदुए को घायल किया गया है। इसी गन की सहायता से इसको तीन फायर कर दिए गए हैं और तीसरे फायर में ये जो तेंदुआ है इसमें घायल हो चुका है। कुछ शिक्षण में तेंदुए को बाहर लाया जाएगा।
वन विभाग की जो टीम है वो ट्रैंक्विलाइजर करने वाली टीम के साथ जो है इस चीज़ को सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि वो दरवाजा खोलने से पहले जो है वो तेंदुआ जो है वो बेहोश हो गया हो। अब कुछ ही देर में जो है ये पिंजरे में डालने की प्रक्रिया, कुछ ही देर में तेंदुए को पिंजरे में डाल दिया जाएगा। गतिविधियाँ हैं वो तेज हो चुकी हैं और ऐसा शायद उम्मीद चलाई जा रही है कि तेंदुआ जो है बेहोश हो चुका है। क्या लग रहा है सत्य, आपको संकेत क्या है तेंदुआ बेहोश हो गया? उम्मीद है मुझे कि अभी ये जो लास्ट शॉट गाया गया है डॉक्टर साहब द्वारा, इसमें पूरी उम्मीद है कि इनको बेहोश होने की पुलिस मामले ऐसे संकेत भी मिल रहा है। नहीं बिल्कुल सही है और इनसे उम्मीद मिल रही है और डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई अभी जी जी, ये भी यही बता रहे हैं कि इनको बेहोश, क्योंकि अभी आप मेरी दैनी देखिए पहले लगाया हुआ था पिंजरा, हाँ जी जी, इसको भी अभी हटाया जा रहा है तो इससे बिल्कुल साफ होने की पूरी उम्मीद है कि जल्द जो है जल्द से जल्द राहत मिलेगी। धन्यवाद। सर जी क्या देखा आपने, बेहोश हो चुके हैं अब जो है सुरक्षित बाहर निकाले? सुरक्षित बाहर निकाले, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। तेंदुए को पूरी तरह से बेहोश कर दिया गया है, अब इसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। बहुत ही जल्दी जो तेंदुआ है आपको हिमाचल दस्तक टीवी की स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तेंदुए को पूरी तरह बेहोश कर दिया गया है, अब इस तेंदुए को इस पिंजरे में डाल दिया जाएगा। रेस्क्यू टीम का ये सफल ऑपरेशन। इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।
क्या रोल है सर, खोल देते अपने तेंदुओं को तेंदुए को देखने के लिए इसमें स्थानीय लोग भी बहुत तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। चलो सारे आ जाओ बच्चे, रेस्क्यू टीम द्वारा दरवाजे को खोला जा रहा है। अब बहुत जल्दी तेंदुए को बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, बोल तो रहे हो आपके पास पटली साइड पर, पटली साइड पर मैंने है कुत्ता ही है, आ जाओ कुत्ता भी सो गया, वो भी सो गया, कुत्ता मर गया। नहीं पर दिखता तो वीडियो में लगा हुआ पावर डाटा के बजाय इस नेट की सहायता से इस तेंदुए को इस पिंजरे में डाला जाएगा। हमारा काम अभी बहुत जल्दी इस तेंदुए को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। रास्ता रखना खुला दो चार बंदे डंडे पे रख लो यहाँ ना देखे डंडा तो डंडा आएगा तो फिर आएगा।
ਤੇ ਵਾਹ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੇਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਗਲਵਜ਼ ਵਾਲੇ ਗਲਵਜ਼ ਗਲਵਜ਼ ਦੋ ਗਲਵਜ਼ दोस्तों पीछे हट जाओ पीछे हट जाओ पीछे हो जाओ पीछे जाओ भाई पीछे जाओ कमाई वगैरह तो नहीं करनी कुछ वहां पे वाश करनी है तो बाहर निकालते हैं फिर इसको अंदर अंदर ही अंदर पीछे और नहीं करना बस बाकी देखो चुपचाप त्रिपाल है त्रिपाल त्रिपाल है इस समय आप सीधी तस्वीरें हिमाचल दस्तक टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं फीमेल है यहाँ तो आएंगे आप ये वाला एक मिनट ऐसे एक मिनट है हाँ एक मिनट है करो बंद जब ने सीधी तस्वीरें हिमाचल दस्तक टीवी पे देखी तेंदुए को पूरी तरह से रेस्क्यू बोल्ट ला लो नहीं पानी दे दो कुछ खराब होने के लिए जरा बोल्ट 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 मेरे चल रहा बड़े बड़े चलो बाकी चलो सारे चलो आजा पीछे 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 सारे गिरना मत चलो पीछे बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है तब दिखा इसका सीन इतना जैसा वाले इतने इतने मोटे पर ले चलो चलो अपने अपने घर में चलो सब चलो अब इस तेंदुए को यहाँ से दूसरी जगह के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है एक की जगह है लगा है कई इधर नहीं बड़े लोग बाएं
साइड करके जो भी अंदर घुसे वही सिर में लगेगा। ये वही कुत्ता है जो इस डेंगू के द्वारा अंतिम समय में मार दिया गया। कल देर रात से लेके ये जो कुत्ता है इस कुत्ते के बाहर निकालने में मत को हमले करते हुए इस स्टोर के अंदर घुस गया था। इस लाइव स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप बने रहे हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तेंदुए को पूरी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया है रेस्क्यू टीम द्वारा। अब इसे यहां से सुरक्षित स्थान के लिए ले जाया जा रहा है रेस्क्यू टीम द्वारा।